हाय डीवाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने ये देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ईद स्पेशल हिजाब लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो जैसा कि फेस्टिवल चल रहा है, मैंने इस सीरीज में ये तीसरा लुक ईद के लिए बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको पता चले कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर लिया है, इसे डैब डैब करके स्किन पे लगा लेना है सो दैट स्किन मॉइस्चराइज हो जाए और फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। इसको लगाने से फाउंडेशन पैची पैची नहीं रहता है और स्किन पर बहुत अच्छे से स्वाइप होते हुए लग जाता है। आपको फेस पे नहीं बल्कि नेक पे भी कवरेज देनी है। अब मैं ये कलर सेंस का पोर फिलर ले रही हूँ जो प्राइमर की तरह वर्क करता है। ये इतना साइनअप होता है। ये जो आपके पोर ओपन होते हैं उन्हें पूरा फिल कर देता है और आपके फाउंडेशन को होल डे अच्छे से स्टिक रखता है। देन आप जो भी केमिकल अप्लाई करते हैं वो आपके पोर्स के अंदर जाने नहीं देता है। कोई सा भी प्राइमर लगा सकते हैं। अब लिप्स को भी प्राइम करेंगे, इसके लिए मैंने ये मेबलिन का बेबी लिप बॉम लिया है। नेक्स्ट ये फ्रीडम प्रो का करेक्ट पैलेट है, ऑरेंज पीची सा शेड है, इसे ले रही हूँ। हल्के से पैची सा एरिया दिख रहा है उस पर अप्लाई करूँगी। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं तो उन पर भी इस ऑरेंज कलर को या पीच शेड को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑरेंज करेक्टर आपको अपने डार्क सर्कल्स और ब्लेमिशेस पे अप्लाई करना है जिससे ये पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट ये वेट एंड वाइल्ड का क्लासिक बीज फाउंडेशन है, इसे मैं एप्लीकेटर की हेल्प से लगा ले रही हूँ। ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लेना है। इस तरह से डैब डैब करके ड्रैग करना है आपको ब्लेंडर को, सारे एरियाज को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं ये फ्रीडम प्रो पैलेट है, इसी से ये लाइटर कॉन्सीलर शेड ले रही हूँ। इसे मैं आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट और ब्राइटन अप करने हैं वहाँ पे अप्लाई करना है। फर्स्ट फिंगर से देन ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेना है और स्प्रेड नहीं करना है, जिस एरिया पे अप्लाई कर रहे हो जस्ट उतना ही रखना है। चिन पर लगाना है एंड फोरहेड पे। अब ये स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लेना है, जस्ट उसी एरिया पर रखना है जहाँ पर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड नहीं करना है। जो मैंने इसे आई लिप पे अप्लाई किया है ये आई वेज का काम करता है। अब मिस क्लियर का प्रेस्ड पाउडर है, इसे मैं इसे सेट कर लूँगी क्योंकि ऐसा करने से ये सेट हो जाएगा और एक मैट लुक आ जाएगा। आप ट्रांसलूसेंट पाउडर या जो सेटिंग पाउडर जो भी अप्लाई करते हैं उससे आप अपने फाउंडेशन को लॉक कर देते हैं। मैंने ये एल्फ का आईब्रो पोमेड लिया है डार्क ब्राउन शेड लेके, इससे मैं आईब्रो की फिलिंग करूँगी। अब ये स्पूली ब्रश से ब्रश आउट करना है, आपको यहाँ से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिलिंग करनी है। अब नेक्स्ट मैं ये मॉर्फे की 35F पैलेट ले रही हूँ, इसमें मैं ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ। कभी भी आपको डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं करना है, एक्सेस को निकाल देना, नहीं तो एकदम से कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट ये मैं डार्कर शेड ले रही हूँ, इसको और डिफाइन करते हुए आगे की तरफ जाना है जिससे ये और इंटेंसिफाई होके कलर आएगा। दूसरी आई पर भी आपको ऐसे ही करना है। अब ये ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। अब मैं ये दोनों शेड को मिक्स कर रही हूँ, ब्लैक कम और ब्राउन ज़्यादा, और आउटर कॉर्नर पे रख के इसे वी शेप देना है और क्रीज पे और भी डिफाइन करना है। आपको याद रखना है इसमें ब्लैक आपको जस्ट टच करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। वापस से ब्लेंडिंग ब्रश से पूरा ब्लेंड कर देना है, कुछ भी हार्स लाइन नज़र ना आए और सब ब्लेंड आउट लगे। अब नेक्स्ट मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, इसको आई लिड के इनर कॉर्नर पर डिपॉजिट करना है, क्रीज को छोड़ते हुए थोड़ा सा, और मिडिल लिड तक इसे ले जाना है। और हल्का सा ये ब्राउन कलर लेते हुए क्रीज को डिफाइन कर देना है इसी ब्लेंडिंग ब्रश से। अब ये लाइट शेड लेते हुए अपने ब्रो बोन को डिफाइन करना है। इसे भी ऐसे ब्रश चलाना है कि स्किन में मर्ज हो जाए, ऐसा ना लगे कि ऊपर से ही आपने कलर रख दिया है।
अब मैं ये मेबलिन का आईलाइनर ले रही हूँ, इसे अच्छे से विंग लाइनर क्रिएट करना है। नेक्स्ट ये वेट एंड वाइल्ड का काजल है, इसे मैं वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। और टाइट लाइन पे भी लगाना है। अभी ये मैं एक ब्रश ले रही हूँ क्राउन का C149, इससे मैं लोअर लैश लाइन पर दोनों ब्राउन शेड मिक्स करूँगी, ये वाला और ये वाला। तो मैं ये ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करते हुए लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। इनर कॉर्नर से पहले ही आपको यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए वहाँ पर हम लाइटर शेड लगाते हैं। अब इनर कॉर्नर पे ये वाला शेड अप्लाई करेंगे, जो कि हमने ऊपर वाली लिड पे अप्लाई किया था। फिर अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लेना है आईलैशेस कर्लर से, सो दैट इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, मस्कारा लगाने के लिए ये सुटेबल हो जाए। अब ये मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है, इसे लैशेस पर अप्लाई कर लेना है। अब मैं ये आईलैशेस अप्लाई करने जा रही हूँ, इसे मैंने शीन साइट से परचेज किया है। सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से मैंने अपनी फॉल्सेस को सेट कर लिया है। अब मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट कॉन्टूर करने के लिए ले रही हूँ। तो सबसे पहले ये ब्रॉन्जर शेड ले रही हूँ, पिगमेंट बहुत अच्छा है, जैसा मुझे लाइट चाहिए वैसा ही शेड आ रहा है। अब इसी ब्रॉन्जर शेड से ही जॉ लाइन को कॉन्टूर करूँगी, फोरहेड को भी। ब्रॉन्जर करके आप जो भी आपके शेडोइंग एरिया है उन्हें और हाइड कर देते हो, उन्हें थोड़ा नैरो दिखाते हो, और हाइलाइटर से अपने जो अच्छे एरिया है जिनको और आप हाइलाइट करना चाहते हो उन्हें पॉप आउट करते हो। इसी से नोज को भी कंट्रोल करना है, सो दैट नोज बहुत लिफ्टेड लगे। नेक्स्ट मैं इसी फेस पैलेट से ये ब्लशर ले रही हूँ, फिर अपने एप्पल ऑफ चीप पर अप्लाई कर रही हूँ, जिस डैप डैप करके ब्लेंड आउट कर देना। अब नेक्स्ट आपको ये हाइलाइटर लेना है, जो हाइलाइटिंग एरिया है आपकी चीक बोन उस पर हाईलाइट करना है। इसका साइन बहुत अच्छे से आ रहा है, चिन पे करना है, क्यूपिड बो पे। अब लास्ट आपका टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज। अब ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है बोल्ड रेड। अब ये वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है मिसी एंड पियर्सी का रेड शेड है। तो फाइनली मैं डाल रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। यह मेरा ईद स्पेशल फाइनल हिजाब लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ईद फेस्टिवल के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये हिजाब लुक क्रिएट किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये लुक आपको कैसा लगा। कीप वॉचिंग, स्टे स्टाइलिश, टिल देन बाय बाय।